एक जंगल में तरह तरह के सुंदर जानवर रहा करते थे। गर्मी से बचने के लिए वे तरह तरह के उपाय अपनाने की कोशिश करते। एक दिन सभी जानवर इकट्ठे होकर इसी विषय में बात कर रहे थे। इस गर्मी के प्रकोप से हम कैसे बचे? ना जाने ये गर्मी के दिन आते ही क्यों है। गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं मिलेगी तो और क्या मिलेगी। हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ना, ताकि हम इस गर्मी से बचने का कोई उपाय ढूंढ सके। पर तुम दोनों हो कि बहस करने में लग गए। हम सभी तो यहाँ आ गए, पर सुनहरा हाथी और काला हाथी कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आए? अरे हाँ, ना जाने उनके साथ क्या हुआ। वैसे ही उन दोनों को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये सोचकर सभी जानवर काले हाथी और सुनहरे हाथी के पास जाने के लिए निकले। पर वहाँ जाकर देखा तो दोनों हाथी एक कूलर के सामने खड़े होकर ठंडी हवा खा रहे थे। तपती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए दोनों हाथियों ने जो जुगाड़ किया था उसे देखकर बाकी सभी जानवर हंसने लगे। मैं तुम्हारे पास आने के लिए निकला ही था, पर मैं अपने इस विशाल काया को उठाकर वहाँ तक ला पाता तब तक तो धूप में मैं कोयला बन चुका होता। हाँ हाँ, गर्मी के पहले तो मैं भी सुनहरे हाथी जैसा सुनहरा था। धूप में घूम घूम कर दिन भर काम कर 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 कोयले जैसा काला पड़ गया हूँ मैं अब। पांडा जीजू, मुझे लगता है कहीं हम भी धूप में घूम घूम कर इनकी तरह काले न पड़ जाए। चलो जल्दी घर चलते हैं और एसी में सो जाते हैं। पांडा और खरगोश दोनों तुरंत अपने घर चले गए। हाँ तो क्या मुझे गर्मी नहीं लगती? मैं भी एसी में जाकर सो जाऊंगा। अरे वाह बाघ जी, आपने बताया नहीं आपके घर पर एसी है। चलो हम भी वहीं चलते हैं। तुम दोनों मेरे घर पर चलोगे? मेरा घर बहुत छोटा है, तुम दोनों आओगे तो समा नहीं पाओगे। तुम दोनों के लिए तो बड़ा सा महल चाहिए होगा। ये कहकर बाघ भी अपने घर चला गया। मैं इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर सुनहरा हाथी भी वहाँ से खिसक लिया। सुनहरा हाथी एक ठेले पर फ्रिज रखकर अपने घर की ओर ले आ रहा था। तुम फ्रिज लेकर आ गए? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम गाड़ी खरीदने के लिए कुछ महीनों से पैसे जमा कर रहे थे ना? उसी से मैं फ्रिज ले आया। हाय हाय दुष्ट, अब तो देखना मैं क्या करता हूँ। तेरा सारा सोना बेचकर मैं अपने लिए गाड़ी खरीदूंगा। अच्छा तो मेरा सारा सोना ले जाओगे? बहुत सारी दावतों में जाना है मुझे। इस तप तपाती गर्मी में वैसे ही मेरी सुंदरता पर दाग लग रहा है। फ्रिज और कूलर भी नहीं रहेगा तो मेरे चेहरे से ग्लैमर उड़ जाएगा। इस धूप से बचकर अगर हम जिंदा रह पाए ना तो तब ले लेना तुम अपने लिए गाड़ी। दो तीन दिन यूं ही बीते। गाड़ी के लिए जमा किए मेरे सारे पैसों से उसने फ्रिज खरीदा ना, देखना मैं उसका क्या करता हूँ। काले हाथी ने मन ही मन ऐसा ठान लिया और सुनहरे हाथी का सारा सोना लेकर उसके बदले वो एसी घर ले आया। पर घर पर कहीं सुनहरा हाथी नजर नहीं आया। ये आखिर गई कहाँ होगी? गर्मी के दिनों में आहार खराब हो जाता है, इसीलिए वो घर छोड़कर कहीं जाता भी नहीं। यूँ काले हाथी ने सारा घर घूमकर सुनहरे हाथी को तलाशा। वो फ्रिज के अंदर बैठा हुआ था। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी इसलिए फ्रिज में बैठ गया। ये कहते हुए सुनहरा हाथी बाहर निकला। सुनहरे हाथी ने जैसे ही एसी को देखा बहुत खुश हो गया। मैंने तुम्हारा सोना बेचकर एसी खरीदा है। तुमने गाड़ी के लिए रखे हुए मेरे पैसे लिए थे ना? अब तुम्हारा सोना नहीं रहा, उसके बिना तुम कहाँ जाओगे? जो हुआ सो हुआ, अब साथ में मिलजुल कर खुश रहते हैं। यूँ वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक जोरदार बरसात होनी शुरू हो गई, जिससे सुनहरा हाथी और काला हाथी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।